में यहाँ पे मोटर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इसका कुछ फॉल्ट है, यहाँ से बाईपास करके रखा है। ये जो पत्ती है इसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। गाइस ये यॉर्क का जेड मॉडल चिलर है, कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, बहुत ही पुराना मॉडल है और इसकी मैं आपको सारे डिटेल्स अभी बताऊंगा। कंप्रेसर है इसका, इधर देखा इसका, ये कंप्रेसर है इसका, अभी हमने ओवरऑलिंग कराया है और ये इसका ऑयल ट्रांसड्यूसर है। तो ये कंप्रेसर अभी कंप्लीट ओवरऑलिंग हो चुका है, अभी इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम है वो भी करना है। ये इसका टर्मिनल बॉक्स है, इसके अंदर वायरिंग है सारी, ये क्रैंकेस हीटर और मोटर प्रोटेक्टर वगैरह सारा कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे, और हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर और लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर सब कुछ की वायरिंग हुई हुई है। इस कंप्रेसर के अंदर दो हेड हैं, एक ये हेड है, दूसरा इधर है। इसमें चार पिस्टन है, छोटा कंप्रेसर है, और इसमें आपको मैं दिखा दूँ, ये लो प्रेशर का ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है और यहाँ पे ये हाई प्रेशर का ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। ये इसका सक्शन लाइन है कंप्रेसर का, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये चिलर का कूलर है, इसको आप लोग चिलर भी बोलते हैं, ये यहाँ पे, और ये चिल्ड वाटर लाइन है, ये चिल्ड वाटर लाइन है। ये बहुत कम जगह है इसलिए मैं सही से नहीं दिखा पाऊंगा आपको वीडियो, फुल वीडियो इस चिलर का। और अभी आपको इसका पैनल दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसका यहाँ से कंट्रोल पैनल है, ये यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, मोटर करंट चेक कर सकते हैं, ऑपरेटिंग आवर्स, चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर, सिस्टम वन का क्या प्रेशर है वो देख सकते हैं, सिस्टम टू का क्या प्रेशर है, और यहाँ पे आप अलार्म भी कैंसिल कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा डिस्प्ले में आपको। और इस तरफ में ये सारी वायरिंग की डायग्राम दी हुई है, आपको अगर वायर नंबर कुछ भी देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अंदर ये सारा इसका पीसीबी बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, इधर कॉन्ट्रेक्टर है, क्योंकि कंप्रेसर जल जाने के बाद अक्सर मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए, अभी हमने कुछ इसको क्लीन किया है लेकिन अभी भी ये क्लीन नहीं है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रेक्टर कैसे क्लीन करना है और कंप्रेसर स्टार्ट करके चालू करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। ये टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है, दूसरा चिल्ड वाटर लाइन वो है, उसमें फ्लो स्विच और टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, और दूसरा कंप्रेसर वहाँ पे है। तो अभी हम लोग दोनों कंप्रेसर चालू करके आप लोगों को दिखाने वाला है। कॉन्ट्रेक्टर को जब भी आप लोगों ने साफ करना है के साथ करना है कि वो सबसे पहले पावर ऑफ करना है, मेन पावर, उसके बाद ही इसमें हाथ लगाना है किसी भी वायर में। और यहाँ पे जब आप एमरी पेपर यूज करेंगे, इस टाइप का ये पेपर यूज करेंगे, तो बिल्कुल सावधानी से करें, क्योंकि इस पे एक भी निशान नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका स्पार्क करेगा और फिर कंप्रेसर जल सकता है दोबारा। बिल्कुल सेफ्टी के साथ करें, बाद में पॉलिश करें, उसके बाद ही आप यूज करें, और अगर ज्यादा खराब है तो आप चेंज कर लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम इसको इस 1000 CE ये पेपर का नंबर है, इससे पॉलिश करने वाले हैं, क्योंकि मोटे पेपर से हमने पहले साफ कर दिया था। इस पे इतना अच्छा पॉलिश करना है, कोई भी स्क्रेच नहीं होना चाहिए, तब आपका कॉन्ट्रेक्टर सही अच्छा चलेगा। ये जो पत्ती है इसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है, पहले बड़े नंबर से कर लेना है, बाद में इसमें 1000 नंबर के ऊपर जो है उससे कर सकते हैं, या 1500 से पॉलिश कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आपको करना है, और बिल्कुल शाइनिंग में आना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए सारे पे। ये फ्यूज़ है, कंट्रोल का फ्यूज़ है, ये इधर भी फ्यूज़ लगा हुआ है, ये एम्पेयर के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। तरीके से आप लोगों को क्लीन करना है, बिल्कुल अच्छा क्लीन होगा। ये छोटा 1000 नंबर का पेपर है, इससे हम लोग पॉलिश कर रहे हैं इसको, और ये देखो ये क्लीन हो गया है पूरा, पॉलिश भी हमने कर दिया है इसको सारे पत्ती को इसके। मैं इसको CRC से क्लीन कर लें तो और अच्छा हो जाएगा, जो डस्ट वगैरह होगी वो पूरी साफ हो जाएगी CRC से, अच्छे से क्लीन कर लें। ये कॉन्ट्रेक्टर भी सही से क्लीन कर दिया है, अब इसको फिक्स कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले हमने इसको इसकी पत्तियाँ लगा दी हैं कॉन्ट्रेक्टर की, ये लग गया है, क्लीन करके अच्छे से वॉश करके हमने लगा दिया है। अभी इसका ये कवर हम लोग अभी लगाएंगे इसके अंदर में, तो अभी वो कवर लगा के भी अब दिखाता हूँ, और कुछ कंप्रेसर के टर्मिनल की वायरिंग रह गई है वो करके फिर मैं बताता हूँ आपको। और ये जो कंप्रेसर का टर्मिनल बॉक्स है, इसके अंदर में यहाँ पे मोटर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इसका कुछ फॉल्ट है, यहाँ से बाईपास करके रखा है। तो अभी मैं इसको चेक करूँगा कि इसका वाइंडिंग सही है कि नहीं, स्टेटर का सेंसर सही है कि नहीं, अगर सही होगा तो इसका कनेक्शन सही करके चलाऊंगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगा तो फिर हम लोग मोटर प्रोटेक्टर चेंज करेंगे। तो बाकी मैं इसका वायरिंग फिक्स करता हूँ फिर दिखाता हूँ। इसका कंडेंसर फैन लगा हुआ है, दो कंडेंसर फैन है, दो कंप्रेसर हैवी कंडेंसर फैन है, और इसका वो दूसरा कंप्रेसर है, और इधर
ये वाला एक कंप्रेसर है, दो कंप्रेसर है। इस कॉन्ट्रैक्टर का हमने NNC स्विच भी चेंज कर दिया है, क्योंकि इसी से ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टर चलता है। दोनों कॉन्ट्रैक्टर साथ में ऑन होगा, एक ये वाला ऑन होगा तो यहाँ से फिर NO को सप्लाई देगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन होगा, तभी जाके कंप्रेसर सही चलेगा, नहीं तो वार्निंग चल जाएगी। दोस्तों अभी काफ़ी रात हो गई है और हमने ये मोटर प्रोटेक्टर भी चेक कर लिया है, इसका ये वायर अभी निकाल कर रखा हुआ है, मैं अभी लगाऊंगा और सारी वायरिंग हमने इसकी कंप्लीट कर दी है। अभी मैं इसको चालू करूंगा और ये कंप्रेसर का हीटर चालू हो गया है, तेल गर्म करना इसने स्टार्ट कर दिया है और इधर की भी सारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी हम लोग वेट कर रहे हैं तेल थोड़ा गर्म हो जाए, ऑयल कंप्रेसर का गर्म हो जाए, फिर स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते ही फिर मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। इधर सिस्टम भी ऑन हो गया है, डिस्प्ले भी ऑन हो गया है, डिस्प्ले में आ रहा है, आप लोगों को लाइट कम आ रही होगी, इसको भी ऑन कर दिया हमने, पावर इसका ऑन कर दिया है। ये इस एरिया में भी वायरिंग डायग्राम सारी दी हुई है, तो आप लोग इधर से भी देख के वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये चिलर चारों तरफ से कवर है, इसलिए मैं चिलर का फुल व्यू नहीं दिखा पाया था, लेकिन मैं अभी कंप्रेसर मैंने चालू कर दिया है तो अभी आपको दिखाता हूँ अंदर से डिस्प्ले, और ये कंप्रेसर चालू हो गया है और अभी मैं ये डिस्प्ले खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डिस्प्ले में आ रहा है और कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में, सिस्टम 1 सिस्टम 2 है और कंप्रेसर बिल्कुल। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। थैंक यू।